मेरा फेवरेट गाना जागो जरा है, हमने विवाह के टाइम पे गाया था। मुझे वो गाना बहुत पसंद है, वो बहुत ही बढ़िया गाना है, उसकी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ऑफकोर्स गोलमाल, अब मेरा इट्स माई पेट फेवरेट, मतलब इवन व्हेन आई सिंग इट ऑन स्टेज, मुझे लोग कहते हैं वन मोर टाइम, लाइक आई हैव बीन आस्क्ड टू सिंग द सॉन्ग 2-3 times ऑन स्टेज ड्यूरिंग माई शोज। तो दीज आर द 2 songs दैट आई रियली लाइक अ लॉट। जागो जरा, आई जस्ट सिंग द मेन कोरस। जागो जरा सवेरा हो गया। दिस इज अ ग्रेट सॉन्ग, बहुत सलीम सुलेमान ने लिखा है गाना और क्लिंटन ने हार्मनीज आके करी थी, जावेद अख्तर के लिरिक्स हैं। तो ये हम लोग को सबको विवाह में सबको ये गाना बहुत पसंद था। स्टेज पे भी हम लोग बहुत मतलब ड्रामेटिक इसकी परफॉर्मेंस रहती थी, पर ये गाना सबको मालूम था। आजकल रीमिक्स जो बन रहे हैं गानों के, उसमें सबसे अच्छा कौन सा रीमिक्स लगा आपको, किसी का भी? बहुत लोग बनाते हैं, मतलब अभी मैंने खुद मतलब खुद का रीमिक्स बहुत पसंद है। मतलब जो अभी मैंने सुकेतु के साथ एक गाना किया है, आ जाने जा, जो अभी बज रहा है आजकल, तो वो रीमिक्स है। और आई लाइक द वे, मतलब मुझे सुकेतु तो एनी वेज बहुत पसंद है, हिज वर्क इज़ रियली गुड। मतलब फालतू के मिक्सेज नहीं बनाता है, ही रियली डज, ही पुट्स इन लॉट ऑफ एफर्ट इन टू हिज मिक्सेज, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ सेंस, लाइक दैट म्यूजिक दैट यू नो ही हैज़ दैट सेंस ऑफ वॉट द क्राउड लाइक्स, और लोगों को क्या पसंद आएगा, सुनने में क्या पसंद आएगा। तो जब ये मिक्स मैंने उनके साथ किया ये गाना, तो आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रैक। क्योंकि जो ओरिजिनल है बहुत ही वो मतलब ऊंचा थोड़ा सा उसका, यू नो, एंड इट्स अ वेरी लाइट नाइस सॉन्ग। ये अब मैंने बहुत लो गाया है और इट्स अ वेरी लाइक यू नो वेरी एंथम सॉर्ट ऑफ सॉन्ग, इट्स अ वेरी क्लब सॉन्ग। तो आई रियली लाइक दिस मिक्स अलॉट। कोई ऐसा गाना चाहे पुराना हो चाहे ना, जिसका आप रीमिक्स गाना चाहते हैं? ऐसे तो मुझे तो कभी याद नहीं रहता, मुझे मतलब आप जब पूछोगे मेरे पास अलग आंसर होगा उसके लिए। पर ऐसे बहुत गाने हैं जो मैं सोचती हूँ आई आई विश आई हैड संग दैट सॉन्ग, यू नो, इवन इफ इट्स अ मेल सॉन्ग, लाइक ओमकारा का जो टाइटल ट्रैक है वो मुझे इतना पसंद है। मतलब आई मैं इस ऑफकोर्स नोबडी एल्स कुड हैव डन अ बेटर जॉब देन सुखविंदर। मतलब सुखविंदर तो क्या है मुझे नहीं मालूम क्या है, सच अ फैंटास्टिक सिंगर। बट ऐसे ऐसे गाने मुझे मतलब जब मैं सुनती हूँ हाई आई विश आई हैड संग दैट सॉन्ग। हम ये देखना चाहेंगे कि आप उस गाने कैसे गाएंगे, जो मेल ट्रैक है। हाँ, मेल ट्रैक है और वो भी इतना मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि मतलब सुखविंदर ऐसे लेट लेट के ऐसे गाया गाना, मतलब ओम गा ऐसे ऐसे जैसे कि मतलब पी के गा रहे हो जैसे। तो मतलब मैं ट्राई अटेम्प्ट भी नहीं करूँगी अभी, तो बिल्कुल गा के भी नहीं सुनाऊंगी। आई नॉट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज नथिंग दैट आई विल डू कैन इवन कम क्लोज टू वॉट ही हैज़ डन। गुड, कभी आपने कोशिश तो की होगी? ये गाना गाने की तो जब रेडियो पे आता है, जब मेरे पास सीडी भी है उसकी, जब आता है तो मैं खूब जोर जोर से घर में गाती हूँ। दम दम दड़म दड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे, ओम गारा है ओम गारा। आई डोंट सिंग मोर देन दैट। क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी मैं एक्चुअली मतलब मैंने जिंगल्स वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया है करना, और एक मैं गाना लिख रही हूँ एक फिल्म के लिए जिसके बारे में मैं बात ही नहीं कर सकती। वो फेब में आई थिंक रिलीज़ होगी, तो उसका गाना भी मैं लिख रही हूँ, लिरिक्स भी मैं लिख रही हूँ हिंदी के लिरिक्स। देर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, अंकुर तिवारी है उनका नाम, आई एम गोइंग टू गेट हिम टू राइट द लिरिक्स, और आई विल बी सिंगिंग द सॉन्ग ऑल्सो। तो वो दैट इज़ देयर देर आर कपल ऑफ पार्ट्स दैट आर डन फॉर सम यू नो फिल्म दैट आर कमिंग आउट, और अपनी एल्बम पे भी काम चालू है मेरा। तो वो धीरे 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 करके होगा। आजकल शोज़ का सीज़न वापस चालू हो गया, तो आई एम हार्डली हियर, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माय जॉब। मतलब मुझे ट्रैवल करना इतना अच्छा लगता है। अभी परसों मैं काठमांडू में थी, कल हमारा बॉम्बे में शो था, और अभी कल मैं कैलकटा जा रही हूँ। मतलब आई एम ट्रैवलिंग सो मच दैट राइट नाउ दैट टाइम इज़ नॉट देयर टू गिव कम्प्लीटली टू एक्चुअली डूइंग अ फुल एल्बम। पर मैं लिख रही हूँ अपने गाने धीरे धीरे करके, तो होता है। और मतलब आई एम नॉट लिमिटेड माई सेल्फ, मतलब आई ऑलवेज से आई नो दैट म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। म्यूज़िक तो मैं करूँगी करूँगी, बाकी मैंने बहुत चीज़ें करी हैं साथ में। आई यूज़ टू राइट द म्यूज़िक सेक्शन फॉर 17 मैगजीन एज अ गेस्ट राइटर,
मैंने थोड़ी मॉडलिंग भी करी है, थोड़ी एक्टिंग भी करी है. अभी ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो है उसमें मतलब आई जस्ट डन लाइक अभी तक वी ओनली शॉट वन एपिसोड, तो आगे भी होगा थोड़ा बहुत. तो मतलब आई एम जस्ट यू नो आई एम टेकिंग इट ईजी, जब मेरा मन करता मैं करती हूँ. मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट लिव माई लाइफ ऑन एनी बडी एल्सिस टर्म्स, सो आई एम जस्ट डूइंग इट, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई फील इज राइट. अगर मुझे अच्छे ऑफर्स आएंगे तो आई विल डू इट, यू नो. मेरा फंडा बहुत क्लियर है. जैसे अभी मतलब मुझे दो तीन बार लोगों के फ़ोन आ चुके आप आइटम नंबर करेंगे कि नहीं बस ऐसे करके, तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि गाना हो चुका है ऑलरेडी, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों. लेकिन मैं कहती अगर मैं गाना गाऊंगी तो आई विल डू द आइटम सॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट सिंगिंग द सॉन्ग मतलब दे आर कम्प्लीटली टेकन अ बैक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो. एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड एक्सप्लेन आई एम अ सिंगर फर्स्ट, तो it's not like ki I'm doing the full movie. If I'm in a full movie then it, the character is there, so somebody else's voice may be more suited to that character, you know, than mine. But if it's just a 5 minute par 5 minute ki appearance hai film mein aur I have to be myself and do one item number whatever, one dance thing and song and dance, which I love dancing also. So the thing is, since I'm a singer, it just makes more sense ki I should be singing that song, you know, rather than mouthing. Itni ego hai matlab mujhe, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेरी म्यूज़िक डायरेक्टर से बात करा दीजिए. अगर उन्होंने गाना रिकॉर्ड नहीं किया है और अगर वो उन्हें लगता है कि मेरी आवाज़ सूटेड है उस गाने को, देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, यू नो. अदरवाइज ऑल द पीपल आई नो लाइक जो मेरा काम हैंडल करते हैं दिल्ली में, वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप कर लो ना गाना आइटम नंबर, अगर आपने एक कर लिया तो आप अब डबल चार्ज करके इतने सारे शोज आप बहुत से, आप ऐसे क्यों कर रहे हो. दे ऑलवेज टेल मी दिस, आप तो बेबी हो, आपको तो बिजनेस सेंस ही नहीं है, आप पता नहीं. एंड ऑलवेज से हेलो, सबसे पहले तो मैं सिंगर हूँ, मतलब अब मैं ये भी नहीं कहती, मोर देन एनीथिंग ऑलवेज से आई एम अ म्यूजिशियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड देन आई एम अ परफॉर्मर, आई एम एन एंटरटेनर. बट अगर मैं ऐसे करूँगी एंड इफ़ आई एम डूइंग जस्ट लाइक वन सॉन्ग इन अ फिल्म, देन हैज़ टू बी माई वॉइस. इतना मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ड सा है. थैंक यू.